देश में किसानों का जो प्रॉब्लम है, हम हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए के नुकसान उठाते हैं, फिर भी किसान मर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। किसान गरीब और इनोसेंट, इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा इनोसेंट है, और उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और ये सारे और ये सिर्फ जानते हैं कैसे फसल उगाए जाते हैं और कैसे फसल को लोगों के हाथ में दिए जाते हैं। इनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम, और सारे बिजनेसमैन इन्हीं से डील करते हैं, और वो उनको हर जगह उनको ठगते हैं। जैसे बीज खरीदते हैं तो बीज में उनको गलत बीज दिया जाता है, महंगा बीज दिया जाता है, 6 महीने बाद उनको जब फसल होता है पता चलता है कि हमारे को गलत बीज दिया गया। वैसे ही खाद में भी ठगते हैं लोग उसको, इसके बावजूद भी इतने मुश्किल के बाद भी पानी नहीं बिजली नहीं वो फसल उगाते हैं, फिर जब ज़्यादा फसल होते हैं तो खरीदने वाला कोई नहीं, उनको ठगा जाता है, और जब कम होते हैं तो कर्जदार जो जहाँ से कर्ज लिया था वो मार के इसके बीवी और बच्चे को उठा के ले जाता है। तो बुरा हाल है किसान का, क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, और सारे बिजनेसमैन के साथ ही डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनको बचाने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सिवाय फसल उगाने के और उनको बचाने का कोई काम नहीं दिया जाए, उनको और कोई काम ना दिया जाए। तो वो कैसे होगा? वो होगा कि उसके जितने ज़मीन है उतना उसको किराया मिल जाए उस ज़मीन का। एक तो उससे उसका रोटी और कपड़े का बंदोबस्त हो जाएगा, हर महीने उसको किराया मिल जाए, एक मिनिमम पैसा उसको किराए का मिल जाए। उसके बाद जिसने उसको किराया मिलेगा, अगर वो चाहे कि मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, तो वो उसके बाद हर रोज दिहाड़ी में काम करे और 500 रुपये ले, उससे उसका बाकी पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब काम निकल जाए। तो इससे किसान का आत्महत्या रुक जाएगा और कर्ज लेने से फंसा नहीं रहेगा। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, मगर किसानों का मेन प्रॉब्लम है कि उसको सिर्फ ज़मीन का किराया मिल जाए और उसको फसल उगाने का जो मेहनत है वो पैसा मिल जाए, यही एकमात्र प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है।